स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, मैं राजकुमार यादव संस्कार इंटरनेशनल स्कूल से। आज हम लोग डिफ्रेंसिएशन में थोड़ा बहुत जो पहले देख चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शन पढ़े हैं, जैसे y इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है एक्स स्क्वायर। अब हमें समझना है कि डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 1 होगी। ऐसे ही अगर हम लोग आगे देखें, x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y की वैल्यू अपने आप 4 हो गई। तो साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा कि x की वैल्यू में हमने केवल एक नंबर की चेंजिंग की तो y की वैल्यू में 3 नंबर्स की चेंजिंग हो गई। तो डिफरेंशिएशन का यही मतलब होता है कि एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल में कितनी चेंजिंग हुई, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में dy/dx लिखते हैं। dy/dx यानी इसका यह मतलब हुआ कि x के रेस्पेक्ट में y में कितनी चेंजिंग हुई, इसको हम लोग dy/dx लिखेंगे। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल गया dx/dy तो इसका मतलब हुआ कि y के रेस्पेक्ट में x में कितनी चेंजिंग हो रही है यह रिप्रेजेंट कर रहा है। यह हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब क्लास 11th में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़े थे डिफरेंशिएशन के, जिसको हम एक बार फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं। जो सबसे पहला फार्मूला था कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यहाँ पे सी जो है कोई भी कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा। जैसे अगर कोई हम एग्जांपल ले लें, d/dx 2 दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। दूसरा फार्मूला था हमारे पास d/dx x^n के फॉर्म में अगर हमारा कोई क्वेश्चन दिया गया है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है nx^n-1। तीसरा फार्मूला भी देख लेते हैं हम लोग, d/dx a^x इक्वल टू होता है आपका a^x log a। यह दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर स्टूडेंट इन दोनों फार्मूलों में कंफ्यूज होता है। जो फार्मूला नंबर 2 है उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, x^n है, x^n का मतलब हुआ कि किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। लेकिन फार्मूला नंबर 3 में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो a^x दिया गया है, यानी किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो इसे आपको बहुत ध्यान में रखना है। ऐसे ही फार्मूला नंबर 4 था d/dx log x = 1/x होता है। और भी बहुत सारे फार्मूले हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़े थे जिनका यूज हमें क्लास 12th में डायरेक्टली करना है। क्लास 11th में हम लोगों ने इन सब फार्मूलों का प्रूफ यानी वेरिफिकेशन जो है बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड किया था। अब इन फार्मूलों का यूज जो है हमें डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कर लेना है। और फार्मूले हम लिख रहे हैं d/dx sin x = cos x होता है। ऐसे ही d/dx cos x = -sin x। 7th है d/dx tan x = sec²x, d/dx cot x = होता है आपका -cosec²x। फॉर्मूला नंबर 9 d/dx sec x = होता है tan x sec x। फॉर्मूला नंबर 10 d/dx cosec x = होता है -cosec x cot x। अब ये सिंपल से फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आपको हमेशा याद रखना होगा
क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिफ्रेंसिएशन में करेंगे इन्हीं फार्मूलों के मेथड से करेंगे। यानी ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको हमेशा याद रखने हैं, यानी आपको रटे हुए होने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ फार्मूले हैं जिनका यूज क्लास 12 के क्वेश्चनों में करना है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं, जिसको भी लिख दे रहा हूं मैं। इसमें से पहला है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलों को याद करने का भी सबसे सिंपल तरीका है, तो देखो वैल्यू हमारे सेम है, केवल यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस हो गया है। इसी तरह से आगे की d by dx tan inverse x equal to 1 upon 1 plus x square होगा। ऐसे ही अगर हमें cot के लिए करना है, यानी cot inverse x लिखना है, तो वैल्यू आपकी वही रहेगी 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर, केवल साइन माइनस का हो गया। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा आपका 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू है आपका माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। बिना इन फार्मूलों को याद किए आप डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। यानी आपको ये फार्मूले कहीं एक जगह लिख लेने हैं और अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद कुछ डिफरेंशिएशन के मेथड होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे, जिसमें से पहला मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में अगर हमें दो वेरिएबल दिए गए हैं, यानी दो फंक्शन दिए गए हैं fx इनटू gx के फॉर्म में, तो इसका डिफरेंशिएशन करने का रूल होता है, हम लोग पहला नंबर लिखते हैं, यानी पहला फंक्शन fx, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मींस d by dx gx प्लस सेकंड नंबर मींस gx, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मींस d by dx fx, इसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। जिसको हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू करते हैं इसको। हमें डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स का। यहां पर दोनों वेरिएबल हैं, एक्स एक दूसरा फंक्शन है, कॉस एक्स एक दूसरा फंक्शन है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और हमें इसे प्रोडक्ट रूल से या प्रोडक्ट मेथड से ही डिफरेंशिएशन करना है। इसी मेथड को यानी इसी फार्मूले को अप्लाई करना है। तो पहला नंबर मींस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मींस कॉस एक्स प्लस सेकंड नंबर कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स एक्स। अब जो हमने फार्मूले याद किए हैं उस मेथड से इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। x तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x प्लस cos x तो रहेगा। जब किसी भी नंबर का उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी इनटू 1 हो गया, यानी हमारा आंसर हो गया माइनस x साइन x प्लस कॉस एक्स। ये प्रोडक्ट रूल है जिसका बहुत सारे क्वेश्चन में यूज किया जाएगा, जिसे आपको ध्यान में रखना है।
फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं प्रोडक्ट मेथड में। प्रोडक्ट मेथड में यह ध्यान में रखना है कि हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए, यानी दो वेरिएबल होने चाहिए और उनके बीच में साइन इनटू का होगा, तभी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। और इसका डिफरेंशिएशन करने का रूल है, पहला नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यह सबसे सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड डिवीजन मेथड। अगर हमारे दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में दिए गए हों, डिवीजन मेथड यानी हमारा कोई फंक्शन इस तरह से दिया गया हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में दिया गया हो, तो उसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर मीन्स जी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मीन्स एफ एक्स माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स जी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये डिवीजन रूल का फॉर्मूला है। अगर हमारे दो फंक्शन जो हैं डिवीजन के फॉर्म में दिए गए हों, तब एफ एक्स एक हमारा दूसरा फंक्शन है, जी एक्स हमारा एक दूसरा फंक्शन है, अगर वो डिवीजन के फॉर्म में दिया गया है तो उसका फॉर्मूला है डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसको भी हम लोग एक सिंपल से एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हो x अपॉन cos x, x हमारा दूसरा फंक्शन है जो एफ एक्स की जगह पर है, cos x हमारा दूसरा फंक्शन है जो जी एक्स की जगह पर दिया गया है, हमें इस फार्मूले से इसको सॉल्व करना है यानी डिफरेंशिएट करना है। तो इस मेथड को अगर अप्लाई करेंगे तो cos x d by dx x माइनस x d by dx cos x अपॉन cos x का होल स्क्वायर। अब जो हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं उस मेथड से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। cos x, यहां पर x का डिफरेंशिएशन करना है और किसकी रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 हो गया माइनस x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x अपॉन cos x का स्क्वायर, यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दें, cos x माइनस माइनस प्लस हो गया, x sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ये दो इम्पॉर्टेंट मेथड थे जिनका करीब करीब हर क्वेश्चन में यूज करना होगा। पहला मेथड था प्रोडक्ट मेथड, दूसरा मेथड था डिवीजन मेथड।